गुरु ग्रंथ साहब मारू मेला नो। अब मैं कहां करूरी माई, सगल जन्म बिख्यानी सो, खोया सिमरो नहीं कनाई। हे मां, अब मैं क्या करूं, समूचा जन्म मैंने विषय विकारों में खो दिया। किंतु उस कन्हैया का, उसी श्री कृष्ण का नाम नहीं जपा। अब मैं कहां करूरी माई, सकल जन्मों बेअख्यानी सो, खोया सिमरूं नहीं कन्हैया। काल ने जब मेरे गले में फंदा डाला तो उसकी सब सुधी जाती रही। काल फांस जब घर में मेली ती सुधी सब बिसराई। ऐसे संकट में अब परमात्मा हरि के नाम के अतिरिक्त और कौन सहायक हो सकता है? उस राम के नाम के बिना कौन सहायक हो सकता है? राम नाम बिनु जा संकट में, को अब होत सहाय। जो संपत्ति अपनी करी मानी, छिनमो पई पराई, कहू नानक ये सोच रही मनी, हरि जसु कबू न गाई। जिस संपदा को जीव अपनी समझता है, वह क्षण भर में ही पराई हो जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस समय यही सोच मन में बनी रहती है कि क्यों परमात्मा का नाम नहीं जपा। कहूं नानक ये सोच रही मनी, हरि जसु कबू ना गाए। मारू मेला नो, माई में मन को मानो न त्याग्यो, माया के मदि जन्म सिरायो, राम पजनी नहीं लाग्यो। हे माँ, मैंने अपने मन का गर्व नहीं त्यागा, माया के नशे में जीवन बिता दिया, राम के भजन में कभी मन नहीं लगाया, कभी राम का भजन नहीं किया। माया के मदि जन्म बिसारियो, राम पजनी नहीं लाग्यो। जम को डंडो परे सिर उपरी, तब सोवत्ते जाग्यो, कहाँ होत अब के पछताए, होटन नाई पाग्यो। अब जबकि यमदूतों का दंड सिर पर पड़ा तो मैं जैसे सोते से जाग गया हूं। अब क्या सोचता है, अब तो भाग कर भी नहीं जान छूटती, भाग कर भी नहीं छूटा जा सकता। जब गुरु के चरणों में प्रेम हुआ तब हृदय में ये चिंता उपजी कि जन्म तभी सफल हो सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब जीव प्रभु हरि यशो गान में संलग्न होता है, राम का नाम जपता है। ये चिंता उपजी कट में, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफलो जन्मो नानक तब हुआ, जो प्रभु जस ते पाग्यो। मारू अछत पदिया मैला एक करो एक अमकार सतगुर प्रसादी। वेद पुराण कथे गुने सहारे, वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका, अठसठ तीरस बहु कना प्रमी थाके पेखा, साचो साहिब निर्मलो मनी माने एका, तो अजरावरु अमरो तो सब चलन हारी, नाम रसायन पाइले परिहरी दुखो पारी। वेद पुराणों की कथाएं कहते सुनते अनेक ऋषि मुनियों पराजित हुए। वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका, वेश थारी साधु अड़सठ तीर्थों पर भटकते भटकते थक गए, अड़सठ तीर्थी पाहु गना प्रमी थके पेखा, किंतु सच्चा निर्मल स्वामी एक ही है, जो मन ही में ही विद्यमान है। अड़सठ तीर्थी बाहु गना प्रमी थके पेखा, साचो साहिब निर्मलो मनी माने एका। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, तुम अजर हो, तुम अमर हो, अन्य सब लोग नश्वर है। जो प्रेम पूर्वक तुम्हारे नाम की औषधि का नियमित सेवन करते हैं, हर समय हरि नाम जपते हैं, राम नाम जपते हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं।
तो अज रावरू अमरो तू सब चालन हारी, नामू रसायनू पाई ले पर हरी दुख पारी। हरी पढ़िए हरी बुझिए गुरमति नामी उदारा, गुर पूरे पूरी मति है पूरे सबद बिचारा, 68 तीरथ हरि नामू है किलविख काटन हारा। गुरु के मत के अनुसार हरि नाम पढ़ते और समझने से ही जीव का उद्धार होता है। हरि पढ़िए हरि बुझिए गुरमति नामी उदारा। पूरे गुरु के संपर्क में मनुष्य का विवेक पूर्ण होता है और शब्द का ज्ञान होता है। हरि नाम ही 68 तीर्थों के समान पाप विमोचन है। 68 तीर्थ हरि नामू है किलविख काटन हारा। जलो बिलोवे जलु मथे तत्लोड़े अग्गु उनलग अज्ञाना, गुरमत ददी मथिये अमृत पाइये नाम निदाना, मनमुख तथ ना जाननी पशु माई समाना। पानी का मंथन करने से अज्ञान अंध मूर्ख ये जीव तत्व प्राप्त करना चाहता है। गुरमत रूपी दुग्ध मंथन से ही हरि नाम रूपी तत्व अमृत की उपलब्धि होती है। जलो बिलोवे जलो मथे ततु लोड़े अद्दो ज्ञाना, गुरमति ददी मथिये अमृत पाइये नाम निदाना। गुरुमत रूपी दुग्ध मंथन से ही हरि नाम रूपी तत्व अमृत की उपलब्धि होती है। मनमुख जीव इस तत्व को नहीं समझते, पुष्टा के स्वभाव को ही बनाए रखते हैं। मनमुख तुत न जाननी पशु माई समाना, अम्मे मेरा मरी मरु मरी जम्मे वारो वारा, गुर के शब्दे जे मरे फिरी मरे न दूजी वार, गुरमति जग जीवनु मनी वसे सभी कुल उदार नहार। जो जीव अहम अहम अधिकार भावना की मृत्यु में मरता है वह बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। अम्मे मरो मरी मरो मरे जम्मे बारो बार, किंतु जो गुरु के शब्दों की पहचान में मरता है, गुरु के दिए शब्द को मन में बसा लेता है और हर समय जपता है, वह दोबारा कभी नहीं मरता है, मुक्त हो जाता है। गुरु के शब्द जे मरे फिरी मरे न दूजी बार, वह समूचे कुल का उद्धारक परमात्मा गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करने से ही मन में बसता है। गुरमति जग जीवनु मनि वसे सभी कुल उदारन हार। हरि नाम ही सत्य का सौदा है और हरि नाम ही सच्चा व्यापार है। सच्चा वक्रु नामु है सच्चा व्यापार। गुरु के मत के अनुसार इस संसार में हरि प्रभु नाम जपना ही मूल लाभ है, किंतु जो जीव द्वैत भाव में कर्म करते हैं वे नित्य संसार में घाटे का सौदा किया करते हैं। लाहा नामो संसारी है गुरमति बेचारा, दूजे पाई कार कमावनी नित तोटा से सारा। साची संगति थानो सच्चे सच्चू सच्चे कर बारा, सच्चा भोजनो पाऊ सच्चू सच्चू नामो अधारा, सच्ची वाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा। जो जीव सच्ची संगति में सच्चे स्थान और सच्चे घर बार को प्राप्त करते हैं, जो सच्चे भाव से सच्चे नाम के सहारे हरि नाम का ही सच्चा भोजन करते हैं, वे सच्ची वाणी का संतोष और सच्चे शब्द की जानकारी प्राप्त करते हैं। सच्ची वाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा। रस पोगन पथ साइया दुख सुख संगारा, मोटा ना उतराइये गली अवगन पारा, मानस दाती ना हुई तू दाता सारा। जो बादशाहत का रस भोगते हैं और दुख सुख के उतार चढ़ाव को सहते हैं,
जो नाम के तो बड़े हैं किंतु गले में अवगुणों का बोझ ढोते हैं। सच तो यह है कि मनुष्य के दिया दान व्यर्थ है। वास्तविक दाता प्रभु हरि तुम ही हो। मानस दाती ना होमी तू दाता सारा, अगम अगोचरु तू तनी अवगत अपारा, गुर सब्दी तरु जो ये मुक्ते पंडारा, नानक मेलू ना चुकी साजे वपारा। परमात्मा हरि अगम अगोचर अविनाशी अपार स्वामी है। गुरु के शब्द से ही यदि परमात्मा हरि के द्वार की खोज करें तभी वह मुक्ति का भंडार प्राप्त होता है। अगम अगोचरु तू तनी अवगितु अपारा, गुर शब्दी दरु जो ये मुक्ते पंडारा। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह मिलाप सच्चा व्यापार है जो कभी अंत नहीं होता। नानक मेलू ना चुकिए साचे व्यापारा। मारू मेला पहला, विखो बोहिता ला दिया दिया सुमंद बंजारी, कंदी दिशे ना आमी ना उरवारू ना पारू, वंजी आथी ना खेवटू जलु सागरू असरालू, बाबा जग्गू फाता मां जाली, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभालू। संसार में रहने वाले मनमुख जीवों ने अपना जीवन रूपी जहाज विषय विकारों के विष से लाद करके संसार सागर में डाला। यह संसार सागर बड़ा गहन है, इसका कोई किनारा नहीं दिखता, ना इसका कोई आर पार है। अर्थात ये सागर अंतहीन है। इस जहाज का ना कोई मल्लाह है और ना ही इसके हाथ में जहाज चलाने वाला कोई उपकरण है। अर्थात संसारिक जीवों का जीवन रूपी जहाज भयंकर संसार सागर में दिशाहीन भटक रहा है। सागर भी यथा है। बाबा जग्गू फाता मई जाली, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाली। बाबा सारा संसार माया के मां जाल में फंसा हुआ, गुरु की कृपा से हरि नाम स्मरण करने से ही इससे छुटकारा संभव है। गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाली, सतगुर है बोही था शब्दी लंगावन हारो, तिथे पौन ना पावको ना जलू ना अकारो, तिथे सच्चा सच्ची नाई पाव जल तारन हारो। संसार सागर से पार होने के लिए सही जहाज सतगुरु हैं और उनका शब्द पार करवाने का सामर्थ्य है। जहाज को चलाने के लिए पवन या अग्नि की अपेक्षा होती है, किंतु इस जहाज में न पवन है न अग्नि से ये चलता है। इसे ठेलने वाला जल भी नहीं है और ना ही इसका अपना कोई आकार है। केवल सच्चा हरि नाम ही इस जहाज को भाव सागर से पार लगाता। तेते सच्चा सची नाई पव जल तारन हारो। पवन न पाको ना जलो ना आकारो, तिथे सच्चा सच्चे नाओ पवजल तारन हारो। गुरमुख लगे से पारी पे सच्चे सोली बिलाई, आवा गोनु निवारिया ज्योति ज्योत मिलाई, गुरमति सहज उपजे सच्चे रे समाई। गुरमुख जीव गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करने वाले ही परमात्मा हरि से लगन लगा करके इससे पार होते हैं। उनका आवागमन समाप्त हो जाता है और उनकी असीम ज्योति प्रभु की असीम ज्योति में मिल जाती। गुरु का उपदेश पालन से जीव स्थिरता की दशा को प्राप्त होता है और सत्य में ही समा जाता है। ज्योति मिलाई गुरमति सहजे उपजे सच्चे रे समाई।
सपो पिड़ाई पाइए विखु अंतरि मनी रोसो पूर्वी लिख्या पाइए किसनु दीजे दोसो गुरमुख गाडू जे सुने मने नव संतोसु। जैसे सांप की पिटारी में बंद कर देने से भी उसके भीतर का विष और आक्रोश समाप्त नहीं होता। मन रूपी सर्व की यही दशा है। मन को बलात् सीमित करने के प्रयास में उसके भीतर की चंचल प्रीति को नहीं रोका जा सकता, किंतु ये तो उसका प्रारब्ध है, अर्थात कर्म के अनुसार उसका स्वभाव है। दोष किसे दिया था? दोष किसे दिया जा सकता है? मन रूपी सर्प का विष दूर करने का एक ही तरीका है, गुरु के शब्द का गारुड़ मंत्र सुनने से परम शांति पद प्राप्त होता है। पूर्व लिख्या पाइए किसनु दीजे दोसु गुरुमुखी गाडू जे सुने मन्ने नाव संतोसु। मागर मच्छु फाइये कुंडी जल उद्वताई दुर्मति फाया फाहिये फिरी फिरी पछुताई जमनो मरु ना सुझी कीतु ना मिट्या जाए। सागर में मगरमच्छ होते हैं, संसार सागर में भी ऐसे मगरमच्छ मनोविकार हैं। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए शिकारी कुंडी में मांस लगा करके या जाल डाल करके उसे फंसा लेते हैं। मैं अपनी कुमति के कारण जाल में फंसता है और पुनः पुनः पश्चाताप करता है। मैं जन्म मरण के चक्कर में से अनभिज्ञ रहता है और अपने प्रारब्ध युक्त स्वभाव को मिटाने में असमर्थ रहता है। दुर्मति फाथा फाइये फिरी फिरी पछुताई जमनो मरु न सुजी कीत न मेटिया जाए। हमें दिखे पाई जगतू उपाया शब्दो वसे विखु ना जाई जरा जो ही न सकी सची रहे लिवलाई जीवन मुक्तो सो आखिए जिस विच्चो हमें जाई। परमात्मा हरि के ये संसार सागर अहंकार के विष से ही पैदा किया। ये विष केवल प्रभु हरि शब्द से ही उतरता है। जो जीव सत्य स्वरूप परमात्मा हरि में रत रहते हैं उन्हें जरा मृत्यु कुछ भी कष्टकर नहीं होता। भीतर से अहम को नष्ट कर देने वाला जीव जीवन मुक्त पद को पाता है। जीवन मुक्त को आखिए जिस विच्चो हमें जाए। तंदे तावत जगु बाध्या ना बुझे विचारू चमन मरनु विसारिया मन मुख मुक्त गवारू गुरु राखे से उभरे सच्चा शब्द विचारू। सारा संसार अपने अपने धंधे से बंधा पड़ा, इसके रहस्य को कोई विचार नहीं पाता। मूर्ख गवार जीव जन्म मरण के तथ्य को विस्मृत करके संसार के प्राण में बहता है। जो जीव सच्चे हरि नाम का स्मरण करते हैं गुरु उनकी रक्षा करता है, उनका उद्धार हो जाता है। जमनु मरनो बिसारिया मनमुख मुग्ध गवारू गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचारू। सोटो पिंजरी प्रेम के बोले बोलन हारो सच्चो चुगे अमृत पिए उड्डे ता एक वार गुरु मिलिए खसम पछानिए कहूं नानक मुख द्वारु। जीव रूपी तोता जब प्रभु के प्रति प्रेम की बोली बोलने लगता है, सत्य ज्ञान का अमृत पीता और उड़ता है, तो एक ही बार में अपने लक्ष्य को पा लेता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के मिलाप से ईश्वर की प्राप्ति है। गुरु के मिलाप से ही हरि की प्राप्ति है और ईश्वर उपलब्धि ही मोक्ष का मार्ग है। सचु चुगे अमृतु पिए उड़े ता एका बार गुरु मिलिए खसमो पछानिए कहो नानक मोख द्वार। मारू मेला पहला शब्दी मरे तम मारी मरु पागो किसी पे ही जाऊं जिसके डरी में पागिए अमृत ताको नाऊ। मारी राखी एक तू बीजी नाई थाऊ बाबा मैं कुचीलू क
काचु मति हीन, नाम बिना को किछु नहीं, गुर पूरे पूरी मति कीन। मृत्यु को शब्द से मारो, अर्थात हरि नाम द्वारा मृत्यु भय से मुक्त हो, अन्यथा इससे भाग करके कहाँ जाओगे। जिसके भय से स्वयं भय डरता है, वही अमृत अर्थात अमर कर देने वाला प्रभु हरि कहलाता है। मरने जिलाने वाला हे परमात्मा हरि एक तुम ही हो, दूसरा हमारे लिए कोई स्थान नहीं। जिसके डरी पे पागिए, अमृतो ताको नाओ, मारी राखी एको तू, बीजो नाई थाऊ। हे बाबा, मैं मलिन अस्थिर और मतिहीन हूं, हरि नाम के बिना कोई कुछ नहीं। पूर्ण गुरु ने ही मुझे ये विवेक इस प्रदान किया। बाबा मैं कुचीलो काचु मतिहीन, नाम बिना को कुछ नहीं, गुरपुरे पूरी मति कीन। अवगनी सुबर गुण नहीं बिनो, गुण क्यों करी जाऊं, सहजी सबदी सुख उपजे, बिन भागा तन्नू नाई, जिनके नाम ना मनी वसे, से बादे दुख साई। मैं अवगुणों से भरपूर हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है। गुणहीन होकर के मैं अपने वास्तविक घर अर्थात प्रभु हरि की शरण में क्यों कर जाऊं। सहानुभूति सहज अनुभूति में ही सुख उपजता है, किंतु ये सुख राशि भाग्यहीन व्यक्ति को नहीं मिलती। जिन जीवों के मन में प्रभु नाम का निवास नहीं, वे यमदूतों द्वारा बंधे दुख सहन करते हैं। जिनके नामों ना मनी वसे से बाधे दुख साई, जिन्हीं नामो विसारिया से कितो आए संसारी, आगे पाछे सुख नहीं, गांडे लादे चारू, बिछड़िया मेला नहीं दुखी, तनी जम द्वारी। जिन्होंने परमात्मा के नाम को विस्मृत कर दिया, भुला दिया, वे संसार में क्यों आए हैं, उनके लिए आगे पीछे कहीं सुख नहीं है। वे तो गंदगी ढोने वाले ढेले मात्र हैं, अर्थात पापों से भरे हैं। वे एक बार परमात्मा हरि से बिछड़े हैं तो दोबारा उनका मिलन नहीं होता है, और वे यम के द्वार पर अनेक दुख सहन करते हैं। बिछड़िया मिला नहीं दुखो कणो जम द्वारी, आगे किया जाना नहीं मैं पुल्ले, तू समझाई पुल्ले मार्गु जो दसे तिसके लागू पाई, गुरबिन दासा को नहीं कीमती कह न जाए। आगे की स्थिति को मैं नहीं समझता, बार बार भूल जाता हूं और तुम पुनः पुनः समझाते हो। जो मुझ भूले हुए को मार्ग बता देगा, मैं उसी का चरण शरण लूंगा। सच तो यह है कि गुरु के सिवा और कोई दाता नहीं है, उसका सही मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। गुरबिन दाता को नहीं कीमती कहने न जाए। साजनु देखा ता गली मिला, साचु पठायो लेखो, मुखी तिमाने तन खड़ी, कुरमुखी आखी देखूं, तुद्दो पावे तू मनी वसी, नदरी कर्मी भी सेखो। यदि प्रभु साजन को देख पाऊं तो उसके गले लग जाऊं और उसके पास सच्चा जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करूं। आत्मा रूपी स्त्री मुंह लटकाए विचारों में खोई हुई खड़ी है। हे स्त्री, उस साजन को गुरु के द्वारा अपनी आंखों से देख। जब उसकी कृपा होती है तभी वह मन में आन बसता है और कृपा दृष्टि मात्र से ही उसे विशेष कृपा प्रदान करता है। तुद्दो पावे तो मने वसी, नदरी कर्मी भी सेखू। भुख प्यासो जे पवे, किया तसु मागू दई, बीजी सुजे को नहीं, मनी तनी पूर्ण दई, जिन्नी किया तिनी देखिया, आपी वड़ाई दई। जो मिथ्या वेशधारी स्वयं भूखे प्यासे घूमते हैं,
उनसे क्या मांगना हुआ और वे क्या दे सकते हैं? देने वाला दूसरा कोई नहीं दिखता, जो तन मन में व्याप्त है वही सब कुछ देता है। जिन्होंने हरि नाम की कमाई की है उन्होंने उसे साक्षात पाया है, उसी ने परमात्मा ने उन्हें बढ़ाई दी है। जिन्ना किया तिन देखिया आपी बढ़ाई दें। नगरी नायकु नवतनो बालको लील अनुपो नारी न परखो न पखनो साचु चतुर स्वरूपो ज्योतिष पावे सो थिए तो दीप को तो दुपो। शीर रूपी नगरी का स्वामी लीलाधर नवीन बालक नित्य नई लीलाएं करने के कारण परमात्मा को बालक आ गया है। वह नारी पुरुष पक्षी आदि की सीमाओं से परे विशिष्ट स्वरूप का धारक है। जो उसे रुचता है वही होता है, वह दीपक और सुगंध सब स्वयं ही है, अर्थात आलोक एवं गंध वही है। नारी न पुरखो न पंखनो साचू चतुरु स्वरूपो ज्योतिष उपावे सो थिए तो दीप को तो दुपो। गीत साध चाखे सुन बाद साध तनि रोगो सचु पावे साचु चवे छुट्टे सोग विजुगो नानक नामो न विसरे ज्योतिष पावे सो होगो। जो जीव अनाहत नाद का स्वाद चख लेता है, शारीरिक संयोग वियोग के रोगों को काटता है और व्यर्थ के स्वादों को त्याग देता है, उसे सत्य में प्रेम होता है। वह सत्य बोलता है और उसके सब शोक वियोग दूर हो जाते हैं। तो नानक जी कहते हैं कि जीव को हरि नाम कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। परमात्मा हरि जो रुचता है वही होता है। सचु पावे साचु चवे छुट्टे सोग विजोगो नानक नामो ना विसरे ज्योतिषु पावे सो होगो।